सर बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने देश के लिए मेडल जीत कर आया हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस मोमेंट पर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इंडिया को मेडल दिया। इंडियन नेवी से मैं जॉब कर रहा हूँ, इंडियन नेवी की मुझे बहुत सपोर्ट है। ये हमारे सारे बाकी आगे सर बताएंगे आपको। आपके लेकिन अपने बारे में तो कुछ बताइए, इस मोमेंट पर देश जानना चाहता है और तमाम लोग देखिए आपके स्वागत के लिए आए, कितना खुशी का मौका है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ कहेंगे थोड़ा अपने बारे में बताइए और आगे का क्या लक्ष्य है? आगे सभी प्लेयर का सपना होता है भी हम देश के लिए मेडल जीते, हमारा राष्ट्रगान दूसरी कंट्री में बजे, सभी इसी के लिए मेहनत करते हैं जी। हाँ जी, तो इस मौके पर धन्यवाद सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे? हालांकि उसकी इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, सबसे ज्यादा किसको धन्यवाद देंगे, क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा जो मेरे फैमिली है, इंडियन नेवी से हूँ मैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज की जरूरत है मुझे प्रोवाइड करवा देते हैं। हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया साई, मैं सभी का थैंक यू करना चाहता हूँ। नेवी में रहकर ये मुकाम हासिल करना, ये चुनौतीपूर्ण था क्या? सॉरी, चुनौतीपूर्ण था क्या नेवी में रहकर ये स्थान हासिल करना, दोनों को सिमिलर बनाना? हाँ जी, नहीं नेवी में ऐसा है मुझे फ्री छोड़ा हुआ है ट्रेनिंग के लिए, मैं पटियाला ट्रेनिंग करता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं ऐसी खास आई कोई। सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, सरकार ने जिस तरह से पूरा कुछ किया है? अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे टॉप्स है हम एलीट एथलीट के लिए, वो हमें पर मंथ 50,000 रुपीज देते हैं और बाहर ट्रेनिंग के लिए हमें खर्चा देती हैं। सरकार बहुत हेल्प कर रही है, अनुराग ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ना ये ऐसा माहौल देख के ना हमें भी ऐसा लगता है कि हम और अच्छी मेहनत करेंगे और अभी अभी ब्राउन्स आए, अगली बार हम कोशिश करेंगे गोल्ड आए, तो हमें खुद अच्छा फील होता है कि हाँ हमें इतने बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, इतने सारी भीड़ को देख के हमें खुद लगता है, हम खुद मोटिवेट होते हैं इन चीजों को देख के, हम सोचते हैं कि अगली अभी ब्राउन्स है तो नेक्स्ट टाइम हम गोल्ड की कोशिश करेंगे। थोड़ा परिचय बताइए, जिस खेल को बताते हुए, जिस खेल में आप ये लेकर आइए उसको बताते हुए और जीवन में जो चुनौतियां आई होंगी। सर मेरा नाम प्रीति लांबा है, मैं 3000 मीटर स्टीपल चेस करती हूँ। वैसे मैं हरियाणा से हूँ, शादी मेरी यूपी में हुई है बागपत में। सर एक चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि एक बार मेरा मतलब फ्रैक्चर हो गया था, बिल्कुल स्पोर्ट्स डाउन हो गया था, तो फ्रैक्चर के बाद मैंने सोचा कि अभी स्पोर्ट्स नहीं हो सकता, अभी बस हो गया, अभी नहीं है नौकरी है, बस इतना ही बहुत है करके, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट किया और सोचा कि ठीक है एक बार ट्राई करती हूँ। फिर उसके बाद शादी होगी मेरी, शादी होने के बाद फिर धीरे धीरे मेरा स्पोर्ट्स अच्छा होता गया, हस्बैंड भी काफी सपोर्टेड है, मेरी फैमिली ज्यादा सपोर्टेड है, तो उसके बाद फ्रैक्चर के बाद भी मैंने दोबारा, अभी भी मेरे पैर में रोड है, अभी भी रोड है मेरे पैर में, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि दो जगह से पैर टूटने के बाद भी मैंने दोबारा गेम स्टार्ट किया और एशिया में मेडल लेके आई। आगे का लक्ष्य? आगे अभी सर नेक्स्ट ईयर ओलंपिक है, वैसे तो अभी मेरी रैंकिंग है ओलंपिक में, लेकिन मैं मतलब कोशिश करूंगी कि मैं खुद क्वालिफाई करके जाऊं, 36 रैंकिंग होती है। और इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, सरकार की तरफ से भी काफी प्रयास किए गए थे एशियन गेम्स में? हाँ जी सर, सरकार भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, एएफआई भी बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, साई ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और उन्हीं के सपोर्ट के कारण ही बच्चे इतने आगे जा रहे हैं, मतलब इतनी सारी फैसिलिटी देती है सरकार भी बहुत अच्छी, मतलब बच्चों को मोटिवेट करती है, फैसिलिटी बहुत ज्यादा दे रही है, तभी बच्चे इतना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एशियन गेम में फर्स्ट टाइम इतने सारे मेडल एक साथ आए हैं एथलेटिक्स में, ज्यादातर तो मुझे लगता है एथलेटिक्स ने इम्प्रूवमेंट किया है। सर अच्छा लगा, मतलब इधर मेरी पूरी फैमिली आई है, कोच भी आए हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा अच्छा लगा जी। इस जो गौरव का पल है, इसके लिए आप किसको जो है धन्यवाद सबसे पहले देना? पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनने मेरे लिए मतलब इतना वो किया, और फिर बाद में मेरे जो गाँव के हैं, मेरे शहर के हैं, सबको, मैं मेरे देश के सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने कोचों को, सबको। इंडियन आर्मी में आप रहकर ये आपने किया, चुनौतियाँ भी बहुत रही होंगी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में जो चुनौतियाँ आई? देखो सर, थोड़ी बहुत तो आती है स्पोर्ट में, तो आती है, मतलब जितनी भी आएंगी, पर उनकी मकसद वो है अपना लक्ष्य प्राप्त करना, वही मैं पूछना चाहता हूँ, आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का भी ओलंपिक क्वालिफाई का लक्ष्य है, ओलंपिक जाना है सर। कौन सबसे ज्यादा मतलब करीब रहा आपके, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे ज्यादा किसने की यहाँ तक पहुँची? सबसे ज्यादा तो मेरे पापा ही होंगे, मतलब जो फैमिली में सबसे ज्यादा, और मेरे गांव का भी पूरा सपोर्ट रहा सर, गांव का भी यहाँ पे भी काफी लोग हैं, मतलब अच्छा लग रहा है सर, मतलब इतना ऐसा अपना इधर, मतलब मेरा गांव यहाँ से काफी दूर पड़ता है, फिर भी इतने
इतने इधर इतने जने आए हुए हैं, मेरे पूरे फैमिली के आए हुए हैं। मतलब सरकारी सपोर्ट भी रहा, क्या कहेंगे सरकार? मतलब आर्मी का पूरा सपोर्ट है सर। आर्मी में हमने बाहर छोड़ा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, अभी हम 3 महीने से USA में प्रैक्टिस कर रहे थे कोलोराडो में, और USA से उधर के मतलब उधर से खेलने के लिए गए थे। इस बार जो प्रदर्शन रहा एशियन गेम्स में टीम्स का, क्या कहेंगे इस बार? इनक्रेडिबल रहा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा सर इस बार। मतलब जितने भी खिलाड़ी गए सब लगभग सभी के मेडल है। बहुत अच्छा रहा, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सर। मतलब हर बार से भी अब बहुत, इस बार बहुत ज्यादा रहा।